हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो यस, आई वाज इनवाइटेड बाय आइनॉक्स टू मीट श्रद्धा कपूर दी। बेसिकली वो आई थी इंदौर उनकी मूवी का प्रमोशन करने, तू झूठी मैं मक्कार। एंड यस, आई वाज इनवाइटेड ताकि मैं उनके साथ डांस करूँ और उनके लिए फ्लैश मॉब करूँ। सो एक काम करती हूँ, क्लिप्स ही दिखा देती हूँ आपको, देखिए। और फिर हम गए अंदर ऑडी में, जहाँ पे उन्होंने हम सब से इंटरेक्शन किया और मीडिया से भी। फिर उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन किया अभी बताती हूँ। ऐसा कोई किस्सा है जो फिल्म के रिलीज होने के बाद भी जब तक आप नहीं बताएंगे पता नहीं चलेगा, तो एक बार बता दो ना थोड़ा सा, तो हम रेडियो पर भी बोल पाएंगे, लोग थोड़ा सा वायरल भी कर देंगे उस ट्रिविया को। ऐसी कोई कहानी किस्सा है? ऐसे तो बहुत किस्से हैं, लेकिन मैं ज्यादा अभी रिवील नहीं करूंगी। 8 मार्च को तो पूरा खुलासा होने वाला है, लेकिन बहुत ही सुपर एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पहली बार मेरे लिए जिस टाइप की फिल्म है, जिस टाइप का किरदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्योंकि लव रंजन और जो हमारे राइटर्स राहुल मोदी है, लव रंजन जो है, वो इतने पर्टिकुलर, अगर आपको एक यहाँ पे पॉज अलग सा लेना है या ऐसे कुछ करना है या एक वर्ड भी आप इधर उधर कर देते हो तो वो माफ हो जाता है। पर इस फिल्म में वो इतने पर्टिकुलर थे कि पॉज कहाँ पे आना है, एक वर्ड आप इधर उधर नहीं कर सकते। और ये उसी में तो हेलो शर्दरी, आई एम मिलर और मैं भी बहुत झूठ बोलती हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे अपने मम्मी पापा से कितना झूठ बोलना चाहिए? तब तक श्रद्धा जलेबी एंजॉय कर सकती है। श्रद्धा दी वॉज सो काइंड एंड हम्बल कि जब तक हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा था तब तक हमने साथ में जलेबी भी खाई। हेल्दी एक्सपीरियंस, कैसा है ये जलेबी? अब सच बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।